दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलो बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे आज हिंदी बाल भारती क्लास 3 से सब्जियां। ठीक है, चैप्टर का नाम है सब्जियां। इसमें है चित्र वाचन, देखो समझो और बताओ। पाई, यह है पाई, यानी अ की मात्रा। हटाकर जुड़े हम, जैसे यहाँ पे सब्जियों में जो ब है आधा है, यानी इसमें अ का स्वर नहीं लगा है, अ की मात्रा नहीं लगी है, तो हम बिना अ की मात्रा वाले अक्षरों को देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला है, देखिए बच्चा, चम्मच। ठीक है, बच्चा में क्या है, आधा च, हम आगे देखेंगे। देखिए जैसे शत्रु, श्रवण सुनो और दोहराओ। शत्रुघ्न, भक्ष्य, कुत्ता, तथ्य, मध्य, मुन्ना, प्याला, सम्मान, अय्यर, ज्योति, काव्या, पत्थर। ये जितने भी शब्द हैं उन सब में देखिए कोई ना कोई एक अक्षर जो है वो बिना अ के स्वर का है। जैसे यहाँ शत्रुघ्न में जो घ है वो आधा घ है, यानी इसमें अ का स्वर नहीं लिखा है, तो अगर इसमें अ की मात्रा लगा देंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, शत्रुघ्न। लेकिन यहाँ पे अ की मात्रा न होने से इसे इस तरह पढ़ा जाएगा, शत्रुघ्न। ठीक है, जैसे भक्ष्य, कुत्ता। ये देखिए कुत्ता में त में जो है, बीच में त है, उसमें भी अ की मात्रा नहीं है, तो इसे इस तरह पढ़ा जाएगा। अगर अ की मात्रा लगा देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कुतता। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। आगे हम देखेंगे, देखिए जैसे तथ्य है, इसमें भी अ का स्वर नहीं है। मध्य, यहाँ पे भी नहीं है, अ की मात्रा नहीं है, इसलिए अ का स्वर भी नहीं है। जैसे मुन्ना, प्याला, प्याला में प है, ये भी इसमें भी अ का स्वर नहीं है। अगर होता तो क्या लिखते हम, अगर अ की मात्रा लगाते तो प्याला, लेकिन हमें क्या बोलना है, प्याला, इसलिए प में हम अ का स्वर, अ का चिन्ह, अ की मात्रा नहीं लगाते, तो अ का स्वर भी नहीं आता। सम्मान, अय्यर, देखिए इसमें म, इसमें य, इसमें ज, ये सब में, ये सब आधा लिखा है बिना अ की मात्रा के। काव्या, पत्थर। बच्चा, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चा है। चम्मच, यहाँ जैसे चम्मच है। लस्सी, जैसे यहाँ पर देखिए लस्सी है, इसमें आधा स है। उल्लू, जैसे यहाँ दिया है। फिर चूल्हा, जैसे यहाँ पर देखिए चूल्हा है। सब्जी, यहाँ बीच में सब्जियां हैं। चप्पल, देखिए यहाँ ग्वाला, ये लड़का। अच्छा, ज्वाला, ग्लास। ज्वाला ये लड़की का नाम होगा, बट ये तो आनंद खुशी है ना। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ज्वाला, ग्लास। ठीक है, जैसे ये ग्लास भी है, तो ग्लास में क्या लगा, आधा ग। अगर ये पूरा होता, अ क्या स्वर होता, अ की मात्रा होती, तो ग लास हो जाता, लेकिन हमें क्या बोलना है, ग्लास, इसलिए अ की मात्रा स्वर हटा देते हैं। श्रवण सुनो और दोहराओ। देखिए खुशी और आनंद को हरी सब्जियां पसंद है। ठीक है, ये खुशी है, आनंद है, इसे इनको हरी सब्जियां पसंद है। चूल्हे पर बना खाना स्वादिष्ट होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, जितने भी इसमें शब्द हैं ना, वो सारे के सारे सभी शब्दों में अ के स्वर कहीं ना कहीं मिसिंग है, यानी कुछ आधे शब्द लिखे हैं, तो हम आज वही पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे चूल्हे पे खाना बना खाना स्वादिष्ट होता है, यहाँ पे चूल्हे पे देखिए खाना बन रहा है, यमी यमी है ना। बच्चा गुब्बारा देखकर हंसने लगा, जैसे बच्चा हंस रहा है, तो गुब्बारा में देखिए ये जो है ब, आधा ब है। ठीक है, इसे आधा ब कहेंगे। गुब्बारा देखकर हंसने लगा। ठीक है, कल्लू गांव का ग्वाला है। देखिए ये कल्लू में जो ल है वो भी आधा है, क्योंकि बिना अ की मात्रा और स्वर का है। काव्या, चप्पल पहनो, इसमें क्या है, ये व है, ये बिना अ के मात्रा, यानी कि ये देखिए ये जो अ की मात्रा है ना, पाई, ये नहीं है इसमें, तो उसका स्वर भी नहीं है। काव्या, चप्पल में ये प, पहनो। ठीक है, तो ये प में भी ये कैसा लिखा है, आधा लिखा है। मुन्ना चम्मच से खाएगा। उत्पल उल्लू का चित्र बना। अनुलेखन पढ़ो और लिखो। व ख च थ भ म ज। व्याख्या, देखिए व्याख्या में भी यहाँ पे व जो है आधा है और ख भी आधा है। ये यहाँ पे जो जगह है ना नीचे, वहां ये सब आपको लिखना है। सच्चा, पथ्य, अभ्यास,
म्यान, ज्वार। ठीक है, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई अक्षर जो है वो बिना अ के स्वर और मात्रा का है। ठीक है, भाषण संभाषण पहचानो और बोलो। अब ये सब क्या है आपको पहचानना है। ये पहले क्या है, गुब्बारा, पत्ता, ये है प्याज, गन्ना, ग्यारह, रस्सी, चश्मा, फव्वारा। ठीक है, आपने ध्यान दिया जितने भी चित्र थे उन सबके जो अक्षर हैं जो जैसे लिखा जाता है उन सब में एक कोई शब्द ऐसा है जिसमें अ का स्वर मिसिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं, वाचन पढ़ो। अभी आपको होमवर्क में करना है, ये सारा आपको खुद लिखना है। ठीक है, बुक में देखिए आगे देखते हैं, मुख्य, विघ्न, ज्वार, लक्ष्य, त्र्यंबक, तथ्य, ध्यान, सभ्यता, खयाम, हल्दी, गुब्बारा, पत्ता, प्याज, गन्ना, ग्यारह, रस्सी, चश्मा, फव्वारा, दिव्य, पुष्प। देखिए ये सारे जो चित्र है ना वो यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ पे गुब्बारा यहाँ पे है, पत्ता यहाँ है, प्याज यहाँ पे, गन्ना यहाँ, ग्यारह, रस्सी यहाँ, चश्मा और फव्वारा। ठीक है, घनश्याम, पत्ता तोड़कर लाओ, अम्मा ने सब्जी में प्याज डाला, पुष्पा चश्मा लगाकर पढ़ो, कृष्णा गुब्बारा खरीद कर लाओ, कल्पना रस्सी पकड़ो, ज्योति फव्वारा देखो, सौम्या गन्ना तोड़कर लो, अख्तर अंकों में 11 लिखो, आकलन समझो और लिखो। अब ये सारे आपको देखिए इसमें जो बिना अ के मात्रा और स्वर का जो शब्द है सॉरी अक्षर है वो मिसिंग है तो आपको भरना है। जैसे यहाँ पे एक दिया है कत्था, तो बाकी सब में क्या लिखना है आपको, देखिए मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट है कत्था। ठीक है, तो कत्था आपने लिखा है, दूसरा शब्द है अच्छा, देखिए यहाँ मैंने लिखा है अच्छा, ये आपको लिखना है यहाँ। संध्या देखिए यहाँ है, फिर दूसरा है ग्वाला, यहाँ आएगा आधा ग, फिर ये यान डैश यान यानी ध्यान, ये ऐसा आएगा आधा ध। ठीक है, उसके बाद आएगा याला यानी डैश याला यानी प्याला, ये देखिए आधा पो आएगा, फिर है चम्मच, यहाँ हमने लिखा है, आप वीडियो रुका के सब देख लीजिएगा। हल्दी यहाँ लिखे देखिए आधा ल, उसके बाद है ये मुन्ना, यहाँ पे देखिए लिखा है मुन्ना, ये आपको लिखना है आधा न, आपको यहाँ आधा न बनाना है। उसके बाद में है मुन्ना के बाद है विश्व, यहाँ आपको आधा श भी लिख सकते हैं। ठीक है, शरबत वाला आधा श, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, बट आप इस तरीके से लिखिए। उसके बाद है पुष्प, ठीक है देखिए यहाँ है पुष्प, यादा श यहाँ लिखना है। उसके बाद ये अभ्यास, सब्जी देखिए यहाँ है फव्वारा, ऐसे लिखेंगे, स्याही इस तरीके से लिखेंगे, फिर त्र्यंबक इस तरीके से यहाँ लिखेंगे आप, फिर शत्रुघ्न यहाँ पे आपको लिखना है, अक्षुण्ण यहाँ लिखना है, अक्षुण्ण यानी अखंड। ठीक है, ये लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ आपका अ का अ की मात्रा वाला जो हम पढ़ रहे थे पाई के बारे में, यहाँ ये फिनिश होता है, समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।